दोस्तों आज हम एक और इम्प्रोवाइजेशन करने वाले हैं। आज की सिचुएशन या आज का इमोशन है ड्रिंकिंग, और ड्रिंकिंग के साथ हम बहुत सारे इमोशन मिक्स करने वाले हैं। हंसना, रोना, लड़ना, गुस्सा होना, खुश होना, दुखी होना, ये सब हम इसमें मिक्स करेंगे। और ड्रिंकिंग इसलिए कि भाई ड्रिंकिंग के साथ बहुत सारे इमोशन हम जस्टिफाई कर सकते हैं, क्योंकि जब दो लोग बैठ के शराब पीते हैं और जब उनको चढ़ती है नशा होता है तो वो लोग झगड़ा भी करते हैं, गुस्सा भी करते हैं, दुखी भी होते हैं, खुश भी होते हैं, हंसते भी हैं, रोते भी हैं। तो अभी ड्रिंकिंग के साथ ये सब इमोशन को मिक्स करना थोड़ा जस्टिफाई होता है, और बाकी सिचुएशंस में ठीक है हम कर सकते हैं, बट वहाँ उतना एक अप्रोप्रिएट नहीं लगता है, जस्टिफाई नहीं होता है। तो आज इसीलिए हमने ड्रिंकिंग की सिचुएशन ली। और ड्रिंकिंग भी कैसा करेंगे कि जब पीना शुरू करेंगे तो हल्के हल्के चढ़नी शुरू, और धीरे 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 नशा बढ़ता जाएगा और एंड में बिल्कुल गिर जाएंगे। और जहां पे गिर जाएंगे वहां फिर हमारा जो है इम्प्रोवाइजेशन हम वहां पे खत्म करेंगे। और पीना शुरू करने से लेके एंड में बिल्कुल आउट होने तक उस बीच में हमें जो नशा है उसको भी बढ़ाते जाना है। उस नशे के साथ साथ अलग अलग इमोशंस को भी क्रिएट करना है, अलग अलग इमोशंस के साथ भी खेलना है, बहुत सारे इमोशंस को मिक्स करना है। तो अभी इस इम्प्रोवाइजेशन में हमें क्या करना है, हमें ड्रिंकिंग शुरू करना है, मतलब दारू या शराब पीने का जो है एक्टिंग करनी है। और जैसे जैसे हम ड्रिंक करते जाएंगे वैसे वैसे नशा बढ़ता जाएगा, और धीरे धीरे हम इस तरह की एक स्टोरी क्रिएट करेंगे कि उसमें अलग अलग इमोशंस आए, अलग अलग वेरिएशंस आए, और वो लॉजिकल होने चाहिए, कोई रीजन होना चाहिए। और ये इम्प्रोवाइजेशन हम करेंगे दो लोगों के साथ, जिसमें आज हमारे साथ हैं मोहन और शाकिर, दोनों हमारे स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं। जब आप इनका इम्प्रोवाइजेशन देखोगे तो आपको खुद समझ में आएगा। और जब दो लोग परफॉर्म करते हैं तो उसमें होता क्या है कि एक एक्टर को दूसरे एक्टर के रिएक्शंस को फॉलो करना होता है। अभी तक जैसे हमने देखा जो अकेले में जो इम्प्रोवाइजेशन करते हैं या अकेला जब कोई आदमी परफॉर्म करता है तो उसका फोकस सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर होता है। जब हम अकेले इम्प्रोवाइज करते हैं तो उसमें आदमी खुद ही बोलता है, खुद ही सवाल करता है, खुद ही जवाब इमेजिन करता है, और खुद ही फिर उसके रिएक्शंस देता है। तो सामने वाले कैरेक्टर के डायलॉग्स खुद ही इमेजिन करके खुद ही उनके ऊपर रिएक्शन देता है। जबकि जब दो से ज्यादा लोग जब होते हैं सीन में या सिचुएशन में या इम्प्रोवाइजेशन में तो दोनों एक्टरों को पता नहीं होता कि सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा, और ऐसी सिचुएशन में एक्टर को बहुत स्पॉन्टेनियस होना पड़ता है। मींस कैसे कि आपने कुछ बोला, आपको नहीं मालूम कि सामने वाला कैसे रिएक्ट करने वाला है, अब उसका जो रिएक्शन आएगा उस रिएक्शन के अकॉर्डिंग आपको फिर रिएक्ट करना है। और वो चीज क्या होती है, बहुत स्पॉन्टेनियस होती है, जो कि थिएटर में नहीं होता है। थिएटर में क्या होता है कि हमने 3 महीना एक प्ले को रिहर्स किया, प्रिपेयर किया और हम स्टेज पे चले गए। स्टेज पे जाने के बाद उसमें कोई चेंज नहीं होता, कुछ उसमें आप वेरिएशन नहीं कर सकते हो। लेकिन जब आप कैमरे के सामने हैं, आप इम्प्रोवाइज करते हैं या परफॉर्म करते हैं, स्क्रिप्ट के साथ भी परफॉर्म करते हैं, तो आपको बहुत स्पॉन्टेनियस होना पड़ता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब हम परफॉर्म करते हैं तो कई चीजें ऐसी अनएक्सपेक्टेड अनप्लैंड हो जाती हैं जो हमने सोचा नहीं होता। और उस सिचुएशन में क्या होता है कि हमें उसी टाइम उस एक्शन का रिएक्शन उसी हिसाब से हमें देना पड़ता है, जिसके लिए बहुत स्पॉन्टेनियस होने की जरूरत है। तो अभी हम देखेंगे मोहन और शाकिर के साथ दोनों लोग इस सिचुएशन किस तरह से इम्प्रोवाइज करते हैं, कैसे जब वो पीना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे नशा बढ़ेगा, नशा बढ़ने के साथ साथ वो अलग अलग इमोशंस के साथ खेलेंगे, और फिर कैसे वो कैमरे के पीछे से मिलने वाली कमांड्स को फॉलो करते हैं। और यहाँ जैसे हम शूटिंग में या कैमरे के साथ हम काम करते हैं, यहाँ कमांड्स की भी बहुत इंपॉर्टेंस है, और चलते शॉट में कमांड्स दी जा सकते हैं जो कि थिएटर में नहीं होता। फिल्म और टेलीविजन में ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि आर्टिस्ट कैमरे के सामने परफॉर्म कर रहा है और डायरेक्टर को लगता है कि नहीं यार इसमें कुछ चेंज करना है, कुछ करेक्शन करना है, और अगर हम शॉर्टकट करेंगे तो हो सकता है ये चीज़ हमें दोबारा मिले या नहीं मिले।
तो वो चलते शॉट में कैमरे के पीछे से कमांड देते हैं, इशारा करते हैं, और आर्टिस्ट उन चीजों को फॉलो करता है। ये थिएटर में नहीं हो सकता। थिएटर में आर्टिस्ट एक बार स्टेज पे चला गया तो फिर जो भी है वो एक्टर के हाथ में है, वहां कोई कुछ नहीं कर सकता। तो अभी हम देखते हैं मोहन और शाकिर के साथ ये किस तरह से वो लोग इस सिचुएशन को इम्प्रोवाइज करते हैं, परफॉर्म करते हैं, और फिर हम उनसे बात करेंगे कि ये उन्होंने कैसे किया। चलिए देखते हैं। अच्छा शाकिर भाई बैठ जा, बहुत दिन हो गए। हाँ साला, मुंह को कुछ लगा नहीं अभी तक, मर्द वाला कीड़ा। तू मर दे तो कौन है भाई, चीज तो करता ही नहीं यार, बिना चीज का पी रहा है चीज। अरे पर पहली बार गले से नीचे कुछ अच्छा आइटम निकला यार। क्यों पानी नहीं पिताएंगे? अरे कोई बोलेगा नहीं ये पानी है, किसी को लगे ये पानी है, लेकिन ये पानी नहीं है, उड़का है। भाई कितने भी महंगे दारू पी ले, घर वाले बोलेंगे मूत पी क्या है। अरे घर वालों का क्या है, ले और ले। नहीं चाहिए मेरे को, बस हो गया, मेरे को घर जाना है भाई। अरे घर छोड़ता हूं मैं, छोड़ूंगा ना यार, गला पकड़ेगी मैं बड़ा मार डालेगी, समझा? तेरे को छोड़ता हूं यार, तू छोड़ेगा मेरे को, मैं ऑटो पकड़ के चले जाएगा। तेरे को काम का क्या हुआ, तू मेरे को बोल रहा था कि काम है काम है। वो साला घर वाले ने ना भाई दे दिया मेरे ऊपर, मेरे जिम्मेदारी पे डाल दिया यार। वो भाई है कि उसको कुछ काम ही नहीं मिल रहा। मेरे पास भेज देता उसको भी। अरे मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं किसको क्या बोलूं, किसके पास उसको भेजूं यार। मेरे पास भेज, मैं उसको ना। अरे यार मैं खुद अपने टेंशन में फंसा हूँ यार। तू साले रोते हमेशा रोते रहे साले तू। अरे मैं क्या करूँ यार, हमेशा रोते ही रहता है भिखारी। मेरी बीवी छोड़ के गई मेरे को। क्या बोल रहा है यार, दारू की वजह से मेरी मेरे बेटे को लेके चली है। ऐसा किसको बोलूं मैं कि मैं इतने बड़े घर में अकेला रहता हूँ यार, दारू पीते जिंदगी निकाल रहा यार तीन मेरे से। यार तू अकेला हो गया अभी, किसको बोलो यार। यार तू खाना किधर खाता है, दुकान है वहां जाके खाता हूँ। रो मत यार, मेरी दारू पी तू यार, रो मत यार, जाने दे यार, बीवी आ जाएगी। क्या तुझको बोला ना मैंने मत पिया कर यार, क्यों पीता है यार, किस चीज का टेंशन है यार। देखो आदत पड़ गई ना यार। अरे यार नहीं, खाली बोतल पिला रहे मेरे को बिना चखने का।
जल्दी लेट गया। ये देख खत्म कर अभी गिर गए दोनों बस खत्म। तो देखा आप लोगों ने
दोनों ने कैसा इम्प्रोवाइज किया। आई होप आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। तो अब हम इनसे बात करते हैं कि इन्होंने क्या फील किया, क्या इमेजिन किया और किस तरह से ये इन्होंने इम्प्रोवाइजेशन इसको परफॉर्म किया। हाँ मोहन कैसे किया? सर जब हम वो ड्रिंकिंग का कर रहे थे तो जैसा कि हमने सीखा है आपसे कि हर चीज को पहले फील करो, तो जब हमने मैंने जब पहले ऐसे बोला कि आ जा शाखिर भाई बैठ जा, तो वही स्टार्टिंग में दिमाग में आ जाती कि कैसा हमको करना है इम्प्रोवाइजेशन, क्योंकि जब फील्ड में हम चले जाते तो फिर माइंड को उस हिसाब से चलना शुरू हो जाता है। तो जब शुरुआत की और जो दो तीन पैकेट मैंने जब घुट लिए तो फिर धीरे धीरे फील करना शुरू किया कि हाँ वो चढ़ रही है, हाँ तो वो पानी, लेकिन वो फील किया कि मैं पानी नहीं पी रहा हूँ, मैं ड्रिंक कर रहा हूँ। तो ड्रिंक करते करते फिर एकदम फील आ जाती कि हाँ मैं वैसा फील आना शुरू हो गया और पानी से भी नशा चढ़ गया। हाँ एंड में जब गिर गए। हाँ शाकिब तुम बताओ। हाँ सर जैसे अभी मोहन ने बताया, जैसे हम पी रहे पानी है वो, लेकिन वो समझ के पी रहे कि वो दारू है, वोडका है। तो जब हम धीरे एक पैक लगाते तो वो सोच के लगाते कि हम सीरियसली दारू पी रहे। तो जैसे मोहन ने बोला हमने दारू डाला, तो जैसे पिए धीरे 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 हम जैसे बात करना चालू, वो जैसे बात कर रहा है वैसे मैं उसका रिप्लाई दे रहा हूँ। तो धीरे 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 वो नशा चढ़ते जा रहा है, चढ़ते जा रहा है, चढ़ते जा रहा है। तो चढ़ने के बाद जो हालत, मतलब आप लोगों ने देखा ही होगा कि मतलब जो हालत होती लास्ट में, मतलब वो कर तो रहे थे हम लोग एक्टिंग ही, लेकिन वो मतलब वो चले गए थे हम उसमें, मतलब हम रियल में दारू पी लिया। तो एक्चुअल में नशा फील होने लग गया। नशा फील होने लगा कि हम रियल में दारू पिए, मतलब ऐसा हो गया था कि एंड में मैंने ये मेरे घर आया और मैं इसे पूछ रहा कि भाई अब मैं घर कैसे जाऊँ, मतलब इस स्टेज पे हाई स्टेज पे हम चले जाते हैं। हमें होश ही नहीं कि मतलब कौन कैसे घर आया था, तो लास्ट में बोलते है कि मैं घर कैसे जाऊंगा। तो वो मतलब वो जो नशे का जो है वो फील डेवलप होते होते वो नशा हो गया। हाँ। पहले कुछ प्लान तो नहीं किया था? नहीं ऐसा कुछ प्लान नहीं, ऐसा कोई स्क्रिप्ट नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जो मुंह से निकल रहा है वही बोला, जो फील आ रहा है वही किया, जो जो कुछ था वो स्पॉन्टेनियस था वहीं पे। हाँ सर जो था, मतलब ये पूछ भी रहा था कि हम क्या करेंगे, तो मैंने बोला कि बैठ, सर ने जैसा बताया जैसे मतलब जो पहले एक्सरसाइज जो की हमने मुर्गी का अंडा जैसे जिब्रिश वगैरह, मतलब उसमें अलग अलग एक्सप्रेशन लेके आना, तो वो भी मतलब अच्छा था, लेकिन उससे मतलब बेहतर जो मतलब ये जो एक्सरसाइज है इसमें सब कुछ है आपका, हंसना रोना गुस्सा पूरा, मतलब नशा पूरा, मतलब जितना भी है ना एक्सरसाइज पूरा इसमें काम आया, इमोशन कवर हो जाते हैं इसमें। तो ये जो किया तुमने ये बिल्कुल स्पॉन्टेनियस था, कुछ भी पहले से प्लान नहीं था। नहीं, जब नहीं। पीना शुरू किया तो धीरे धीरे चीजें जो आती गई दिमाग में और जो इसने बोला तो उसके हिसाब से तुमने रिएक्ट किया, और तुमने बोला तो तुमने रिएक्ट किया। देखा आप लोगों ने, दोनों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि कैसे इन्होंने ये परफॉर्म किया। तो एक चीज दोनों ने बोली कि फील किया, और पहले से ऐसा कुछ प्लान नहीं किया कि हमें एग्जैक्टली ऐसा करना है, क्योंकि क्या होता है कि जब हम फील करते हैं और उस मूड में चले जाते हैं तो चीजें ऑटोमेटिक होने लगती हैं, क्योंकि आप हर रिएक्शन हर मोमेंट को आप प्लान नहीं कर सकते और स्पॉन्टेनियस होना पड़ता है। फिल्म और टेलीविजन में एक्टर को बहुत स्पॉन्टेनियस होना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि हमने कुछ प्लान किया, हम शॉर्ट में हैं और सडनली कुछ ऐसा हो जाता है जो अनप्लैंड है, अनएक्सपेक्टेड है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि आपको उसी टाइम पे उस सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करना पड़ता है, और ये चीज थिएटर में नहीं होती। थिएटर में क्या, हर चीज की हम बहुत पहले से प्लानिंग करते आते हैं, और थिएटर के जो एक्टर हैं वो जो थिएटर जिन्होंने बहुत ज्यादा किया वो इस चीज पे आके अटक जाते हैं, मार खा जाते हैं। क्योंकि फिल्म और टेलीविजन में क्या होता है कि हम अंदर के इमोशंस के ऊपर काम करते हैं, और अंदर के जो इमोशंस आते हैं ना वो बड़े जब नेचुरल जब आने लगते हैं तो चीजें ना स्पॉन्टेनियस अपने आप हो जाती है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ हम लाउड बॉडी लैंग्वेज पे या बहुत ज्यादा वॉइस के ऊपर फोकस नहीं करते, हम फोकस करते हैं अब पहले फील करना शुरू करो, इमेजिन करना शुरू करो। अब इन लोगों ने क्या किया कि फील करना शुरू किया कि वो लोग दारू पिए, और फील करना शुरू किया, धीरे धीरे वो फीलिंग बढ़ती गई, एंड में ऐसा हो गया कि उनको देखने से लग रहा था कि ये लोग बिल्कुल आउट हो गए, और इन्होंने जैसा बोला कि उनको भी ऐसा ही फील हुआ। तो ये तो हुआ इम्प्रोवाइजेशन। अभी इसके बाद आने वाले वीडियोस में हम स्क्रिप्ट के ऊपर भी काम करना शुरू करेंगे, और आगे देखेंगे कि भाई स्क्रिप्ट के साथ कैसे परफॉर्म करना है, क्योंकि ये बहुत से लोग बोलते हैं कि सर स्क्रिप्ट के साथ
कैसे काम करना है, स्क्रिप्ट कैसे याद करना, डायलॉग कैसे याद करना है। तो उन लोगों से मेरा ये कहना है कि ये एक सीक्वेंस है, ये एक प्रोसेस है, अब इम्प्रोवाइजेशन हो गया, अब इसके बाद हम स्क्रिप्ट के ऊपर आएंगे और तब तक आप जितनी भी एक्सरसाइज हमने की हैं, जो भी अभी तक प्रैक्टिस की है वो आप प्रैक्टिस कीजिए और अपने रूटीन में डालिए। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, आप अपने रूटीन में जो हमारी बेसिक एक्सरसाइज है, जैसे सुबह उठ के आपने अपना नमक के पानी का गरारा कर लिया, तो ये आपके गले के लिए हो गया, गले का कफ निकलेगा, गला साफ होगा। फिर ओम का उच्चारण किया, फिर ये ब्रीथ ये एक्सरसाइज आपने की, फिर हमिंग कर लिया 10-15 मिनट, 5-10 बार ओम का उच्चारण किया, 5-10 बार ये ब्रीथिंग वाली एक्सरसाइज की, 5-10 बार हमिंग किया, फिर आप 10-15 मिनट 20 मिनट आपने रीडिंग किया, लाउड रीडिंग किया, फिर जो कि हमने एक्सरसाइज डिज़ाइन की है वॉइस की, एक्सप्रेशन की, बॉडी मूवमेंट की, कंबाइंड जो एक्सरसाइज डिज़ाइन की वो आपने की 1-2 मिनट, तो आपकी कंडीशनिंग हो गई, जो फिजिकल इमोशनल कंडीशनिंग है एक्सप्रेशंस की, वॉइस की, वो सब हो गया। उसके बाद आप दिन में एक इम्प्रोवाइजेशन करने की हैबिट बना लीजिए, आप कैमरे के साथ कीजिए, किसी को एक्टर के साथ कीजिए, किसी को भी ले लीजिए साथ में उसके साथ कीजिए, या कोई पॉइंट बना लीजिए दीवार पे या कहीं भी एक पॉइंट कि भाई मुझे इसके साथ इम्प्रोवाइज करना, और एक इम्प्रोवाइजेशन आप डेली कीजिए। अब देखिए 1 या 2 महीने में अपने अंदर एज एन एक्टर फर्क आप देखिए, ये जब बेस बन जाएगा उसके बाद आप स्क्रिप्ट पे जब आएंगे ना, तो स्क्रिप्ट को याद करना, समझना बहुत आसान है।